हिंदुस्तानी आवामी मोर्चाना संस्थापक जीतनराम मांझी अमित शाह ने मळ्या बाद नीतीश कुमारना गुणगान कर्या अने एनडीए मां सामेल थवानो स्पष्ट इनकार कर्यो। गुरुवारे सवारे बिहारना भूतपूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझीए केन्द्रीय गृहमंत्री अने भाजपना व्यूहरचनाकार अमित शाह साथे मुलाकात करी छे। आ मुलाकात पहला जीतनराम मांझीना भाजप साथे बिहारमां गठबंधनने लईने अटकणबाजी शुरू थई हती, जो कि दिल्हीमां ज्यारे तेमने सवाल करवामां आव्यो तो मांझीए कह्युं के एनडीए मां सामेल थवानो कोई सवाल ज उभो थतो नथी। तेमणे नीतीशमां पीएम बनवाना तमाम गुण होवानुं पण जणाव्युं छे। खेल बताएंगे, बहुत सा मुद्दा है, गृह मंत्री हैं, उनसे मिलना है मंत्री के रूप में। जी सर, इधर नीतीश जी भी काफी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं दिल्ली में। सर उनका अलग मिशन है और बहुत अच्छा मिशन है जिसमें वो बात कर रहे हैं, और अच्छा लोग से मुलाकात हो रही है, अच्छी बात हो रही है। भाजपा सांसद और बिहार ना भूतपूर्व डेप्यूटी सीएम सुशील मोदी कहूं छे कि नीतीश कुमार बिहार ने संभाली सकता नहीं, पेटा चूंटनी जीती सकता नहीं, तो देश नु नेतृत्व करशे, विपक्ष नु नेतृत्व करशे, कौन स्वीकार छे? नीतीश कुमार एक ऐसी नाव पर सवार हो रहे हैं जिसमें छेद ही छेद है, एक कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। अभी देखा आपने कि राजस्थान में क्या हुआ, जहाँ 5 वर्षों से उनकी सरकार है, सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठे हैं, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, तो ये तो डूबता हुआ जहाज है, इसको कोई बचा नहीं सकता। तो नीतीश जी उसके खेवनार बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो तो डूबेंगे, नीतीश जी आप भी डूबेंगे। और ये जो एका है, ये जनता की एका नहीं है, ये उन दलों की एका हो रही है जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। महत्वपूर्ण है कि जीतनराम मांझी गत वर्ष फेब्रुआरी में गरीब संपर्क यात्रा काढ़ी थी। ते यात्रा दरमियान रैली ने संबोधित करता मांझीए पोताना पुत्र अने नीतीश सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने तेजस्वी यादव करता काबिल गणावीने सीएम कैंडिडेट गणाव्या हता। ब्यूरो रिपोर्ट।